भारत रक्षा के क्षेत्र में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। आधुनिक हथियारों को लेकर तो ड्रोन और फाइटर जेट समेत कई और उपकरण खुद ही बनाने में लगा है। 2 सितंबर को स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना को समर्पित कर दिया गया, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की प्रगति का स्वर्णिम पल रहा। आज हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का अभियान शानदार तरीके से सफलताओं का आसमान चूम रहा है। भारत लगातार मेड इन इंडिया अभियान के तहत हथियारों से लेकर बड़े बड़े युद्धोपात बना रहा है। 2 सितंबर को सितंबर का बाहुबली INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। ये स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत देश की एक नई ताकत और ऊर्जा है। इस विशाल एयरक्राफ्ट के जरिए समुद्री सरहद में जल से लेकर नभ तक प्रहरी का काम किया जा रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत के साथ ही भारत उन देशों के समूह में शामिल हो गया है जिसके पास इस तरह के बड़े और आधुनिक सुविधाओं से लैस युद्धपोत बनाने की क्षमता है। INS विक्रांत को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की ओर से बनाया गया है। इस युद्धपोत को इंडियन नेवी के इन हाउस डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने डिजाइन किया है। भारत में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस की पूरी दुनिया में धूम मची है। अब तेजस का एक नया वर्जन भी जल्द आने की उम्मीद है। PM मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 2 को प्रोटोटाइप उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के साथ 6,500 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य के साथ विकसित करने की मेगो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकार ने 5वीं पीढ़ी रिटिल टेक्नोलॉजी को भी हरी झंडी दे दी। तेजस के एडवांस वर्जन में अधिक ताकतवर एजान लगाया जाएगा। तेजस 1 का वजन 14.5 टन था, लेकिन अब इससे बढ़कर 17.5 टन किया जाएगा। तेजस मार्क 2 में 4.5 टन पेलैंड ले जाने में सक्षम होगा, जबकि इससे पहले तेजस मार्क 1 में 3.5 टन की अधिकतम पेलोड क्षमता थी। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।